नाचोड़ा चंपावती नगरी में गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदर एवं मनमोहन झांकियां की प्रस्तुति नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी, जिसमें कहीं पर कोई लक्ष्मी माता एवं राधा कृष्ण की लीला करते वर्णन करते हुए नजर आए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बबलू चौहान भी झांकियों को देखने पहुंचे और भगवान गणेश राधा कृष्ण जी की पूजा अर्चना की एवं आरती उतारी। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डोल ग्यारस की चल रही जमकर तैयारियां। चांचौड़ा चंपावती नगरी में डोल ग्यारस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब हमारे संवाददाता ने विमान बनाने वालों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस दिन चांचौड़ा नगरी में लगभग 40 विमान एक साथ ढोल नगाड़ों एवं भव्य जुलूस के साथ निकाले जाते हैं। जुलूस में कलाकार अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इस दिन हजारों की तादाद में जनता चांचौड़ा में डोल ग्यारस का जुलूस देखने आती है। वहीं डोल ग्यारस के दिन भव्य मेला भी चांचौड़ा नगरी में लगाया जाता है। संख्या है विमानों की करीब अपने 45 के समथिंग विमान निकलते हैं, जो सभी मंदिरों के अधिकतर विमान एक साथ निकलते हैं जुलूस के साथ, जिसमें पेटी ढोले वजन के साथ उसी में अपने अखाड़ा निकलता है। अखाड़े के साथ गरबे के डंडे खेले जाते हैं और भजन कीर्तन के साथ ये सुबह 12 बजे से शुरू होता है, जो रात को 9 बजे तक अपने अपने स्थानों पर वापस विमान आ जाते हैं। ये एकत्रित होते हैं वहाँ पे तालाब पर, वहाँ पर जल जुलनी होती है, उसके बाद वहाँ पर एक आरती होती है। सायंकालीन आरती होने के बाद वहाँ से फिर सभी विमान अपने अपने मंदिरों के लिए रवाना हो जाते हैं, एक साथ जुलूस के साथ ही निकलते हैं विमान। इनका करीब ये विमान का निकलने का अगर तात्पर्य है, करीब करीब इनको 150 साल से ऊपर हुआ है और इसी तरह भव्य जुलूस करीब करीब यहाँ पर जो संख्या आती है आसपास के सभी इलाकों से काफी भीड़ मौजूद होती है। संख्या में करीब ये मान लो आप 30-35 हजार पब्लिक से अधिक भीड़ होती है, सभी छतों पर बैठे रहते हैं। शहर में गणेश उत्सव की धूम। गुना शहर में गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह गणेश पंडाल सजे हुए हैं। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। शाम होते ही लोगों का हुजूम झांकियां देखने के लिए निकल पड़ता है। जान है राधा तेरा कुर्बान है।
क्षेत्र को पुनः खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में। आज खैरीखता के ग्रामीण प्रसूति केंद्र को पुनः खुलवाने की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रसूति केंद्र से 5 से 6 गांव के ग्रामीणों को लाभ मिलता था। लेकिन अब प्रसूति केंद्र बंद हो जाने से वहाँ की प्रसूताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं गाँव में एक चलित क्लिनिक भी आती थी जिसको भी बंद करा दिया गया है। इसको भी पुनः खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीण आज जनसुनवाई में पहुंचे। समस्या ये है कि खेरी कथा में जो डिलीवरी पॉइंट है वो पिछले 26 से बंद है, और जब उनसे जो इंचार्ज अधिकारी हैं सोनी जी, उनसे बात की है स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ कम होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है, और इसके कारण आसपास की 7-8 पंचायतें जो जुड़ी हैं, लगभग आप देखोगे तो 10 से 15 किलोमीटर के राउंड एरिया में उन पंचायतों के गांव के व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, और वो व्यक्ति या तो महू जा रहे हैं 17-18 किलोमीटर, या फिर गुना या उमरी आकर के अपने प्रसव के लिए आवेदन दे रहे हैं, प्रसव के लिए आ रहे हैं लोग। दूसरी चीज़ ये है कि एक ये जननी सुरक्षा का भी अभाव हो रहा है, तो इस कारण उस क्षेत्र में सभी लोगों के पास साधन तो अवेलेबल है नहीं है, और इसी कारण से हम चाहते हैं कि ये पॉइंट जो खेरीखता में डिलीवरी पॉइंट है वो जल्दी से जल्दी अगर चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शासन द्वारा बनाया गया ग्रीन कार्ड हुआ बेकार। आज जनसुनवाई में ईदगाबाड़ी निवासी जगदीश कुशवाहा पहुंचा। जगदीश कुशवाहा की माने तो उसने शासन की योजनाओं के अनुसार 2 बच्चियों पर ऑपरेशन करा लिया था, जिस पर उसे 2016 में सम्मानित भी किया गया। वहीं शासन द्वारा उसे ग्रीन कार्ड बनवाया गया था, लेकिन अब जो ग्रीन कार्ड की सुविधा उसे मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल रही। उसकी एक बच्ची का स्कूल में एडमिशन तो हुआ, लेकिन दूसरी बच्ची का स्कूल में नाम नहीं लिखा गया। ग्रीन कार्ड के आधार पर उसका एडमिशन नहीं होगा, और जो शासन द्वारा सुविधाएं भी मिलती थी वह भी उसे नहीं मिल रही। इसी से परेशान होकर आज जगदीश जहरीले पदार्थ लेकर जनसुनवाई में पहुंचा। वहीं उसका कहना है कि जब शासन द्वारा ग्रीन कार्ड की कोई सुविधा नहीं दी जा रही तो मेरा ग्रीन कार्ड क्यों बनाया गया। उसने ये भी कहा कि जहरीला पदार्थ मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मेरा पूरा परिवार खाएगा। जैसे ये खबर वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को लगी तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने उससे जहरीला पदार्थ छुड़ा लिया। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि शासन द्वारा जब ग्रीन कार्ड पर कोई सुविधाएं दी ही नहीं जा रही तो ग्रीन कार्ड बनाने का औचित्य ही क्या है। तो क्या सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई क्या, वो तो ये कह देते हैं आपका जांच होगी। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पर? 4 बार हो गया, 4 महीने हो गए। कुछ जहर वगैरह भी लेके आए थे यहाँ पर? नहीं, जहर मेरे पास जो ग्रीन कार्ड हैगा और जो ऑपरेशन कार्ड हैगा। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक मोड़ी पढ़ने जा रही है, घर बैठी है छोटी वाली, उनने ग्रीन कार्ड पे एडमिशन कर लिया था, उनने कहा आप जब फीस लगेगी इसकी जो इससे नहीं पढ़ पाएगी, पीछे जहाँ पे लिखी है तो वो कहता लगे जो कोई सुविधा नहीं हो नहीं दान। मैं कह रहा हूँ आपके पास कुछ मैं अकेले नहीं पीऊँ। एक सेकंड, क्या आप जो क्या लेके आए थे दवाई? जेली मार दवाई। क्यों लेके आए थे जी? मैं बताने लेके यही कि मैं अकेले नहीं पीऊँगा, बच्चों को भी दूंगा और मैं भी पीऊँगा घर जाकर। क्यों करोगे आप ऐसा? जो मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, मेरे घर पे बच्ची पड़ी है पढ़ने नहीं जा पा रही, मुख्यमंत्री साहब कहना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कौन सी कक्षा में भर्ती कराई? पता नहीं कौन सी कक्षा में। कौन से गांव से आए हो आप? ये सगतपुर रोड से। मर जाता है गरीब आदमी और मजबूर आदमी, बातें रह जाती कि यार वो मर गया काय के चक्कर में मर गया, क्योंकि सच्चाई सामने नहीं आती। शासकीय कस्तूरबा विद्यालय में शुरू हुआ युवा उत्सव। आज से शासकीय कस्तूरबा महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव प्रारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ गेल के महाप्रबंधक द्वारा किया गया। इस युवा उत्सव के दौरान कॉलेज में रंगोली, नृत्य गायन एवं अन्य प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। और पुनः निवेदन है कि हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी जी लक्ष्य निश्चित करें और उसको पाने के लिए निश्चय के साथ।
जिला स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और गेल के महाप्रबंधक जी और गेल से ही दो और अधिकारीगण हमारे यहाँ आए हुए हैं उद्घाटन सत्र में। और ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, तो आज रंगोली की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी सुबह, और उद्घाटन के बाद फिर संगीत में नृत्य गायन वादन की प्रतियोगिताएँ होंगी। और हमने अपने शहर के जो गणमान्य निर्णायकगण हैं उनको आमंत्रित किया है, वो पधार रहे हैं। साथ ही कोलाज की प्रतियोगिता आज संपन्न की जा रही है। कल जो है वो पेंटिंग कार्टूनिंग आदि प्रतियोगिताएं होंगी, और 20 तारीख को समापन भी रहेगा। उससे पूर्व नाटक, एकांकी, स्केट, मूक अभिनय और मिमिक्री, वाद विवाद, वक्तृता, ये सारी प्रतियोगिताएं संपन्न की जाएंगी। उसमें भी हमने निर्णायकों को आमंत्रित किया है, जो शहर के अनुभवी विशेषज्ञ हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। तो ये 3 दिवसीय हमारा होगा, और लास्ट डे ही हम निर्णय सबको सुनाएंगे, जो भी हमारे जिले के प्रतिभागी होंगे। अपने भाई और दोस्त की याद में वृद्धाश्रम में फल एवं बिस्किट वितरित किए अजय रजक, जिसकी उम्र कोई ऐसी नहीं थी कि वह दुनिया छोड़ जाए, लेकिन एक लंबी बीमारी के चलते 2 वर्ष पूर्व अजय का देहांत हो गया। अजय बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, वह अपने पीछे 2 बच्चियां एवं 1 बेटा छोड़ गया है। अजय की याद में उसके भाइयों और दोस्तों ने कुछ अलग ही करने की सोची, तो उन्होंने वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धजनों की सेवा की एवं उन्हें फल एवं बिस्किट वितरित किए। इसके साथ ही काफी देर तक वृद्धों के साथ रहे एवं उनकी परेशानियां भी जानी। आज के लिए बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।